मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी को छुपाने के लिए लोगों को आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रोककर आपने संक्रमण को बढ़ावा दिया और जिसके कारण मृत्यु दर प्रति 10 लाख व्यक्ति दिल्ली के अंदर सबसे अधिक रही, ऐसा क्यों आपने किया केजरीवाल जी? इसका जवाब देना पड़ेगा कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई से खरीदे गए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां, पीपीई किट आपने दूसरे राज्यों में इस्तेमाल कर दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रखा? केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों को क्यों नहीं दी गई कोई सुविधा? न ऑक्सीमीटर, न ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, न डॉक्टर, न दवा, न कोई फॉलोअप। कंटेनमेंट जोन और सिविल डिफेंस बन गए भ्रष्टाचार का जरिया। क्यों ना कराई जाए सीबीआई से जांच कि दिल्ली में डेथ रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा था। तो ये जो तो तुम्हारे आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मौतें हुई 13,100 समथिंग और एमसीडी का रिकॉर्ड कहता है दिल्ली में मौतें हुई 34,000। तो जो लोग टेस्ट ना होने के कारण से घरों में जो मौत को प्राप्त हो गई, जिन लोगों ने अपने घर के परिजनों को खोया, उनको बिचारों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई, टेस्ट ही नहीं हो पाए उन लोगों के, और वो मौत को चले गए, तो उनको मुआवजा देने की पद्धति क्या होगी?